मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। बजट समाज के सभी वर्गों की उम्मीद पर खरा उतरेगा और आने वाले वर्षों के लिए देश के विकास का एजेंडा तय करेगा। ये एक विकासोन्मुखी बजट है जो देश की प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों और मध्य वर्ग के लिए भी कई घोषणाओं की सराहना की है। बैठक में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों, श्रमिकों और पेंशन लाभ प्रदान करने तथा आयकर सीमा में 5 लाख रुपए तक की छूट, स्टॉप शुल्क में सुधार तथा रक्षा बजट को 3 लाख रुपए से अधिक करने की भी सराहना की है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय बजट में नई योजना प्रधानमंत्री किसान निधि की घोषणा का भी स्वागत किया है, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करने तथा गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना का भी स्वागत किया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग सभी किसान लाभान्वित होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की सराहना की गई, जिससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे। ये योजना आगामी 5 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी की भी सराहना की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला शामला को उच्च पाठशाला में सत्र उन्नत करने तथा शिमला जिला की ही राजकीय उच्च पाठशाला दनियाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा इन पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित व भरने के साथ सत्र उन्नत करने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने गोजातीय प्रजनन में सुधार, गौजातीय वीर्य उत्पादन के लिए गौ जातीय प्रजनन बैल के उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, विक्री के लिए हिमाचल प्रदेश बोवाइन ब्रीडिंग विल 2019 को प्रस्तुत करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इस विधेयक को राज्य विधानसभा में रखा जाएगा। एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में लेने की हमने कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टमेंट हम यहां पर बैठ करके कहते रहे कि आओ इन्वेस्ट करो, उसे नहीं होने वाला और उसके लिए जाकर के बात करने के लिए निकलना पड़ना था। उस दृष्टि से एक बहुत ही बेहतरीन पहल हमने हिमाचल प्रदेश में की है। हमने एक इन्वेस्टर्स मीट जो है वो प्लान की है लोकसभा के चुनाव के पश्चात, और उसकी तैयारी की दृष्टि से हमने अभी फिलहाल 2 शहरों में जाकर के बेंगलोर और हैदराबाद वहां जाकर के रोड शो किए हैं, अपना पक्ष रखा है और बहुत बड़ी तादाद में बेंगलोर और हैदराबाद में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक लोग जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसके साथ विभिन्न विभिन्न सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो उनका रुझान मुझे बहुत पॉजिटिव दिखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस प्रकार की पहल हिमाचल प्रदेश में जो की है इसका सार्थक परिणाम होगा। अभी हम इस सारे मामले को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं कह रहे हैं, एक प्रयास है उस दिशा में। और हिमाचल में आज से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्रकार से प्रयास नहीं हुए थे। और जगह भी अभी हम थोड़ा बजट सत्र में व्यस्त हो जाएंगे, फिर लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के पश्चात अगर समय की गुंजाइश रहेगी तो हम पूरे देश भर में और जगह भी इस प्रकार से अपने हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, लाने के लिए, बात करने के लिए निकलेंगे। सर, जिस तरह से बैठक में जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट आता है इस पर चर्चा हुई है और उसके साथ साथ में कैबिनेट में आज हमने प्रस्ताव पारित किया, प्रधानमंत्री जी को बधाई दी और पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी उनको बधाई दी। जिस प्रकार से एक बहुत ही सब वर्गों के लिए उत्साहित करने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है उस पर उसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई दी है। और उसके साथ साथ में कैबिनेट में और विषयों को लेकर के जो बजट सत्र से संबंधित हैं जिनका जिक्र करना उचित नहीं होता है उन पर उन ऐसे विषयों पर चर्चा हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि
केंद्र का बजट आया है और हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट जो है वो 9 तारीख को जो हमारा प्रस्तुत होगा और बहुत सारी चीजें केंद्र के बजट में समाहित हो गई है और कुछ चीजें रही हैं उसमें हम हिमाचल के बजट में उनको जहां जिस रूप में ला सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। अब की बार क्योंकि बजट 70 है, बिल भी बहुत सारे हैं, अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन सभी विभाग जो है अपने बिल की तैयारी में है, कौन कौन से बिल लाए जा सकते हैं तो वो बिल होगी। बैठक में जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट आता है उस पर चर्चा हुई है और उसके साथ साथ में कैबिनेट में आज हमने प्रस्ताव पारित किया, प्रधानमंत्री जी को बधाई दी और पीयूष गोयल जी जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी उनको बधाई दी। जिस प्रकार से एक बहुत ही सब वर्गों के लिए उत्साहित करने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है उस पर उसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई दी है। और उसके साथ साथ में कैबिनेट में और विषयों को लेकर के जो बजट सत्र से संबंधित हैं जिनका जिक्र करना उचित नहीं होता है उन पर उन ऐसे विषयों पर चर्चा हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र का बजट आया है और हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट जो है वो 9 तारीख को जो हमारा प्रस्तुत होगा और बहुत सारी चीजें केंद्र के बजट में समाहित हो गई है और कुछ चीजें रही हैं उसमें हम हिमाचल के बजट में उनको जहां जिस रूप में ला सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। अब की बार क्योंकि बजट 70 है, बिल भी बहुत सारे हैं, अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन सभी विभाग जो है अपने बिल की तैयारी में है, कौन कौन से बिल लाए जा सकते हैं तो वो बिल होगी। के बाद हिमाचल प्रदेश में एक उत्साह का एक माहौल है, पूरे देश भर में जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है। बहुत बड़ा वर्ग जो है उस केंद्रीय बजट से जो है लाभान्वित हुआ है और उसके साथ साथ में हम निश्चित रूप से इस बात को देखेंगे और क्या किया जा सकता है, बेहतर क्या किया जा सकता है उस पर विचार करें। की बैठक आज हमारी कुछ औपचारिकताओं से संबंधित है, हमारा सप्लीमेंट्री बजट जो है उसका भी पारण होना है, कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट का एजेंडा है जो बजट सत्र से पहले होने हैं और उस दृष्टि से आज की कैबिनेट की बैठक जो है वो रखी है।